क्योंकि साजन जी भी कभी संत थे। जी हाँ, सही सुना आपने, ये खबर 16 आने सच है। हम कुर्ता पजामा पहनते थे, टोपी पहनते थे, बड़े बड़े बूढ़े आकर के हमारे पैर छू के आशीर्वाद लेते थे उस एज में, क्योंकि हम संत बन गए थे। तो फिर वहाँ पे सारा जो भगवान की प्रक्रिया, आपकी रियल लाइफ मिस हुआ है? मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं रियल बता रहा हूँ। मे आई कम इन मैडम में संजना के अलबेले साजन यानी संदीप आनंद की जिंदगानी भी अब तक बेहद दिलचस्प रही है और अपने रियल लाइफ में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दरअसल असल जिंदगी में संदीप आनंद ने दर्द को करीब से महसूस किया है, खासकर बचपन के वो बीते हुए दिन जिंदगी का मर्म समझा जाते हैं। ऐसा कहना है मेरे घर वालों का कि मेरी कुंडली में राजयोग था। मैंने हमेशा आज तक बहुत ही रॉयल लाइफ लीड की, नॉट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, नॉट बिकॉज ऑफ मी, ये होता गया, चीज़ें होती गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे मॉम डैड के बीच। जब मैं पैदा हुआ था तो बड़ा खूबसूरत बच्चा था, एक गोलू मोलू छोटू सा, ऐसी अलग कलर्ड आइज और ये, और हम जबलपुर मध्य प्रदेश एक जगह, वहाँ पर कहीं किसी के घर में हम रेंटेड रहते थे और जो ओनर थे उनके करीब 25-30 मकान थे और वो खुद वहाँ के MLA थे। तो उनके घर में मैं एज फैमिली मेम्बर रहता था, उन्होंने मेरा एक अपना अलग नाम भी दिया और कोइंसिडेंटली उनकी जो माँ थी उन बच्चों की, उनकी आंखें मेरी आंखों से मैच करती थी, तो लोग मुझे उनका ही बच्चा समझते थे। कुछ 2 साल का जब मैं हुआ उस वक्त मेरे मदर फादर में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो उन दोनों को अलग होना पड़ा। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मेरी सिस्टर को रखा और उन नेबर्स ने मेरे छोटे भाई को रखा और मैं फिर पल गया इनके घर, जो MLA थे, फैमिली थी। 2 साल की उम्र में माता पिता का तलाक हुआ और 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी असली माँ के बारे में जाना। मैं उनके घर में ही उनको ही माँ, उनको ही बाप बोलता था और मुझे इस चीज़ से भी थोड़ा परे रखा गया, बताया नहीं गया। वो तब मैं 5 साल का था और उसी रात जिस रात उनकी बड़ी लड़की की शादी हो रही थी और मेरे मॉम डैड का पैचअप हो गया, तो मुझे लेने आए थे। वो किसी अलग शहर जा रहे थे, ये रात के टाइम की बात है, कुछ 10-11 बजे रिसेप्शन चालू था उनकी शादी का। तो सडनली मुझे बुला करके खड़ा कर दिया गया उनके सामने और कहा गया कि ये तुम्हारी माँ है। तो मैं बहुत शॉक था और चुप था और मैं बच्चा था तो मैं क्या कहता, मैं कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ निकला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं गया। फिर मुझसे ये कहा गया कि तुम्हें यहाँ रहना है या तुम्हें इनके साथ जाना है। तो मेरे मुँह से निकला अनाया सी कि नहीं, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। वो एक खून का कनेक्शन होता है ना, शायद वो आवाज़ थी वो। और फिर शुरू हुआ संघर्षों का सिलसिला और संदीप मजबूरी में बन गए संत, क्योंकि माँ ने उन्हें गुरुद्वारे में दान दे दिया था। और एक अकेली लेडी को 3 बच्चों को पालना, तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया करती थी मेरी मम्मी गुरुद्वारे में जाकर, तो उससे कुछ पैसे आते थे जिससे घर का किराया होता था और हम खाना खाते थे। तो खाने में हम ज़्यादातर रोटी और पानी में नमक मिर्च मिला करके उससे खाते थे, क्योंकि कुछ नहीं होता था उस वक्त। तो मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है अब बच्चों को हमारे पास छोड़ दो, तो लेकिन आप फिर इनके टच में मत रहना, हम इनको अपने हिसाब से इनको करेंगे बड़ा। तो एक तरह से दान दिया हमको आश्रम में, तो हम बन गए संत उस उम्र में। लेकिन फिर किस्मत उन्हें नाटकों की ओर खींच लाई, क्योंकि उनकी बहन को थिएटर से लगाव था और उनकी देखा देखी संदीप ने भी थिएटर में काम करना शुरू किया। तो एक डिसिप्लिन मिला लाइफ का वहाँ से और बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन्हीं से मैंने सूफी म्यूज़िक सीखा। 3-4 साल तक थोड़ी मैच्योरिटी आ रही थी मुझ में, तो मुझे लगने लगा कि ये मेरा है नहीं लाइफ का कि मैं संत बन जाऊं और ऐसे। तो मैं भी कुछ ना कुछ जॉब करने लगा कि चलो मम्मी को सपोर्ट करूंगा। क्यों, तो मैंने काफ़ी मेडिकल स्टोर्स पे जॉब किया, तो दवाइयों का काफ़ी नॉलेज हो गया मुझे, ड्रग्स पता चल गए किस में क्या होता है, कैसे क्या होता है। और फिर उसके बाद में, उससे पहले मैंने ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में भी जॉब किया था, ऐसा एज अ वेटर या वैसे कह सकते हैं। फिर ऐसे करते करते प्लेस करने लग गया, लोगों के साथ नाटक करने लग गया। अब तक संदीप तय कर चुके थे कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है और वो पहुंच गए NSD दाखिला लेने, लेकिन पास नहीं हो पाए। NSD अटेम्प्ट करने गया तो पता चला ग्रेजुएशन चाहिए इसके, तो मैंने इस वजह से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैं पहुंचा वहां पे, तब मैं करीब 17 साल का ही था,
तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि अभी तुम बहुत छोटे हो। फिर दूसरी बार गया, तभी भी नहीं हुआ किन्हीं वजहों से। बाद में मुझे किसी ने समझाया कि भाई सिर्फ तू अकेला नहीं है, शाहरुख खान ने भी दो बार दिया था NSD फेल हुआ था, मनोज वाजपेयी ने भी दो बार दिया था वो भी फेल हुए थे, और तुम तीसरे हो, तुम मेरे को बड़ा जोशा करके ये करेक्ट है। फिर तीसरी बार भी मुझे जाना था, मेरी जिद थी कि नहीं जाना तो है। तो मैं फिर घर वाले प्रेशर करने लगे कि अब कुछ करो यार, तुम बड़े हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो नौकरी के। तो मैं बम्बई आ गया, मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ पे जो मीडिया में स्ट्रगल कर रहे थे। फिर मुंबई में संदीप को मिली मंजिल, काम मिलने लगा, लेकिन एक बार कॉमेडी का जो ठप्पा लग गया, फिर संदीप को बार बार वैसे ही किरदार मिलने लगे। और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है। टीवी में अगर एक एक्टर कॉमेडी में हिट हो जाता है तो उसे एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता? वो क्या सिर्फ कॉमेडी एक्टर है, वो और चीजें नहीं कर सकता? तो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ तो हुआ ही है, तो मेरी आप बीती तो है ही, लेकिन और भी एक्टर हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, जिनको बहुत कुछ करना आता है, लेकिन वो एक चीज़ करते हैं, अच्छा करते हैं, पसंद आती है लोगों को, तो फिर टीवी में उसको उसी में क्यों रिपीट करते हो? जो स्ट्रगल होता है वो एक एक्टर को एक काम मिलने के बाद, अपने आप को स्थापित करने के बाद, जो दूसरे काम मिलने तक का टाइम पीरियड होता है ना, वो स्ट्रगल होता है। बाकी भूखे रहना, सड़क पे सोना, खाना ना खाना, वो तो हर तीसरा आदमी करता है, उसे मैं स्ट्रगल नहीं मानता। बहुत ज्यादा काम संदीप ने अब तक नहीं किया है, लेकिन बतौर एक्टर उनकी पहचान बन चुकी है। ये हाथ छोड़ दूँ, वरना मेरी तलवार मैं हाथ छोड़ दूँ। बहुत किरदार, बहुत चीज़ें, अभी बहुत बाकी, अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ उनंग से, तो बहुत कुछ दिखाऊंगा और आपको एंटरटेन करता रहूंगा, ये संदीप आनंद का वादा है आपसे। उम्मीद है कि साजन जी की जिंदगी का ये अनजाना पहलू आप सबको पसंद आया होगा। श्वेताब शक्ति, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।